प्रदेश दौरे को लेकर सीएम योगी के सामने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज प्रेजेंटेशन देंगे। तो वहीं प्रेजेंटेशन से पहले डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया के साथ खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। सर, आप बाहर गए थे, किस तरीके की चीजें आपने वहां देखी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और भारत सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो लेके हम लोगों ने किया, भारत के और उत्तर प्रदेश के जो गुड गवर्नेंस है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, और उसकी वजह से जो देश छोड़कर दूसरे देशों में अपना हमारे भारतीय लोग गए थे उनको पहले सबसे बड़ा गर्व है कि वो खुद अब गौरवान्वित महसूस करें कि हम लोग खुद अपने भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनके साथ दूसरे भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने के लिए तैयार, जो फिशरी सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो, और एग्रीकल्चर का हो, आईटी हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, किसी भी क्षेत्र के सब बहुत ढेर सारे लोग, और सभी लोगों ने वादा किया कि वो हम लोग आएंगे फरवरी में और हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, हम उनको साइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में कर रहा है जहाँ आप गए थे? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसे हम ब्राज़ील गए, ब्राज़ील में गिरी गाय है जो हमारे भारत से गई और वहाँ क्लोन उसका तैयार करके वहाँ सबसे उत्तम किस्म की गाय बनाकर वहाँ ज़्यादा, तो वो लोग बहुत अपने को गौरव थे जिस देश से हम गाय लाए और इस देश में उसे क्लोन स्थापित करके हम दुनिया में, तो वो सारे लोग यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, जो मंत्री समूह विदेश गए थे वो आज अपना पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। अब तैयार हैं हम लोगों ने जहाँ जहाँ गए थे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मैक्सिको सिटी, और हम लोगों ने जिन जिन कंपनियों से प्रेजेंटेशन उनका देखा था और अपना प्रेजेंटेशन उन्हें दिया था, और जिन लोगों ने हमें टेंटेटिव एमओयू पर जो उन्होंने साइन किया है, ऐसे सभी प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार कर रखे हैं। हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे हमारे साथ, हमारे और एसीएस थे रजनीश दुबे, मनोज जी और संजय भोसले, तो ये सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने तैयार कर रखा, और हम लोग शाम को जब भी प्रेजेंटेशन होगा देंगे। बता रहे हैं कि हम अर्जेंटीना, मैक्सिको और ब्राज़ील के दौरे पर गए थे जहां हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश